बिजली विभाग डिजिटल मीटर से आगे स्मार्ट मीटर की तरफ पैर बढ़ा चुका है, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर खासकर सुदूर इलाके के ग्रामीण स्मार्ट नहीं हो पाए हैं। इस कारण फिलहाल स्मार्ट मीटर के स्मार्टनेस पर कई सवालों के साथ बवाल मचा हुआ है। क्या है इस पर बिजली विभाग की सफाई, देखिए कटिहार से एक रिपोर्ट। क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। पहले हम लोग का मीटर ठीक था, अभी का मीटर सही नहीं है। 12 दिन में जो है 400 रुपया रिचार्ज खत्म हो जाता। हम लोग का 250 रुपया हर महीना आता था पहले, वो ठीक था। लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है कि मीटर को ईंटा लेकर के हम फोड़ दें। हाँ, ये चलने वाला नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? घर से हम एक पंखा चलाते हैं, गर्म में मरते हैं बच्चा लेकर के, कहाँ से क्या करेंगे? कमाई कम है, खर्च ज़्यादा बढ़ा दिया है सरकार। ये सब चलने वाला नहीं है ना। तो मेरा पहले जो मीटर था वही लाके लगा देने, तो हम ईंटा लेके फोड़ देंगे मीटर, क्या करेंगे? हाँ, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? मजदूर आदमी 300-400 रुपया रोज कमाने वाला, अब 12 दिन में जो है पैसा जो है 400 रुपया खत्म हो रहा है। हाँ, घर कभी मिस्त्री को फोन करते हैं, सीरीज होता है, मिस्त्री जो है ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता, उठाता नहीं है। रात भर हम लोग गर्म से मरते हैं, मिस्त्री को सुनवाई नहीं करता, जब भी बुलाते हैं तो पैसे का डिमांड करता है। अच्छा, ऐसे जो मीटर लगा हुआ था उसमें कितना बिल आता? उसमें 200-250 रुपया आता था हर महीना। अभी अभी जो 400 रुपया 12 दिन में खत्म हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? मांग क्या करेंगे? मांग करेंगे, हमारा पहले वाला ठीक था सिस्टम, ये मीटर नहीं चाहिए हमको, ये मीटर खोल के वो ले जाए। क्या नाम है? पप्पू आलम। भारत का हर क्षेत्र डिजिटल क्रांति के प्रभाव से अग्रसर हो रहा है। निश्चित तौर पर आधुनिकता के इस दौर में विकास के लिए डिजिटल क्रांति को अपनाना ही पड़ेगा। बिजली विभाग भी डिजिटल क्रांति के इस दौर में कदम बढ़ाते हुए अब घर घर डिजिटल मीटर के जगह स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करवा रहे हैं। कई बड़े इलाकों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल भी हो चुका है, मगर इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में कई भ्रम के साथ बवाल मचा हुआ है। लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर पहले से ज़्यादा महंगा है, इसलिए हर दिन उपभोक्ताओं को इसके बिजली बिल के कारण करंट लग रहा है। कुछ इलाके में लोगों के साथ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी स्थिति भी है, यानी पहले से अधिक बिल आने के कारण अब लोग इसे लेकर सहज नहीं हो पा रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिजली विभाग उन्हें उनका पुराना बिजली मीटर वापस कर दे। मीटर हमको नहीं चाहिए, हम कहाँ से गरीब आदमी पैसा देंगे रार मसो मास? हम ये मीटर नहीं चाहिए, हमको जो पहले था वही चाहिए। हम कहाँ से देंगे पैसा? 10 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाता है। कितना पैसा रिचार्ज करा रहे हैं? 300 का 500 कैसे करवाते, 200 दिन में होता खत्म हो जाता है। ये मीटर हमको नहीं चाहिए, हम ऐसे रहेंगे, नरिया मुँह बढ़िया है। क्या क्या जलाते? हाँ, क्या 3 खाली बल्ब जलाते, कुछ नहीं, न टीवी है, न कुछ नहीं है, बल्ब जलाते हैं, 1 पंखा है, गर्मी में रात में चलाते हैं, दिन में नहीं है चलाते हैं। तो क्या रिचार्ज देखते हैं कितना का रिचार्ज हुआ नहीं हुआ जब कराते हैं जिस समय? तो कराते बोलता है कि रिचार्ज खत्म हो गया, कराइए रिचार्ज। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख आदमी है, जाते हैं रिचार्ज करा कहते हैं, फिर 200 दिन होता है, फिर वही रिचार्ज का खबर आता है मोबाइल में, नहीं तो लाइन काट देता है। क्या काम वगैरह क्या होता है? काम वही होता है, वही मजदूरी करते हैं, चौका बर्तन का काम तो करते कहां हैं। से लाइएगा? हाँ, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? रिचार्ज करवाएंगे तो वही नहीं बढ़िया था पहले वाला? पहले वाला में कितना बिल आता था? 300 आता था, 200 आता था। अभी तो नुकसान हो रहा है। हाँ, अभी तो नुकसान हो रहा है, कहाँ से देंगे पैसा? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं पहले वाला जो तिथि था वही लगाना चाहते हैं, जो पहले जो पहले था। क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम है रबिया, रबिया मसोमास।